गिरफ्त में ही है आप कह सकते हो, और आलोचना अभी भी ट्राई कर रहे हैं उनको लाने की। अब वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें होंगी, वो चीज हमें देखने को। भाई जब वो लास्ट में गए थे तो वो सब लोगों से पूछने गए थे कि ऐसा क्या है इनके पास्ट के बारे में, तो हो सकता है उन्हें कुछ आगे पता लगाओ, वही में भी हमें भी जानने को मिलेगा। और देखते हैं कि वो लाइक किडनैप किया तो उनसे कैसे छुटवा पाते हैं, और क्या रीजन है, क्या फाइट, कैसे फाइट होगी, तो सब देखने में मजा आएगा। वही देशभक्त मूवी जो है वो अभी काफी इम्पैक्टफुल मूवी लग रही है, मजेदार लग रही है, देखते इसका क्लाइमैक्स ऐसा, तो आप भी देखो हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। आगा जो पोइडो फैन सेंटर पुंडो, कांग्रेचुलेशंस, योर सन इज वेरी स्ट्रांग। आई नो, बट देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? Due to the terrible kick on the testes, there is internal bleeding which leads to hemorrhage. This is called scrotal hematoma. It will cause temporary impotency. Ante? Naaku arthamaindi. Enna? Nannu cheppandi, nenu cheptanu. Sollu sollu. Idi pattuko. Ee kesa samjhangi. Ela cheppali? Ippudu bulb untadu kadandi? Andulo filament untadu kadandi? అది కదిలిపోయింది అనుకోండి, బల్బు ఎలగొచ్చు, ఎలకపో. నీ గూడు చెదిరింది, పగిలింది, మాన్ పోలే వందవనే, యారడిచాలో ఎవడు కొట్టాడో. వై మూడ్రా అప్ప అప్పాల గోవిందం గడు అది ప్రేమించుకున్నారంట, ముందు తన నాలుగు పీకితే పడకుండా చెప్పుది. லவ் நான் கொடுக்குனி கொட்டின வாடி லவ் பண்றியா? எக்கடு நாடே வாடு செப்போ, చాలా పెద్ద సార్, వాళ్ళ లోపల వేయాలంటే మీకు ప్రూఫ్ కావాలి, నాకు వైశాలి కావాలి. అయితే ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటావు? ఓ రెండు మూడు గంటల పాటు తూలు పెట్టిన నాకు వదిలేయండి, ఆ హెల్ప్ చేస్తే చాలు. అప్పుడు దాకా నేనేం చేయాలి? మా టీవీ చూస్తూ కూర్చోండి. धूल पेट में क्या करेंगे जाके, हर एक को जाता के मारेंगे. ఎంగడా అన్న, బాలగోవిందు షేర్ని కొట్టేసిండు అన్న, తలకాయ పగల కొట్టేసిండు. ఎక్కడా ఎక్కడా ఎక్కడా? ఇప్పుడు నేను అక్కడ పొద్దు బాల, వాళ్ళు నేను గుర్తుపడితే చంపేస్తాను. వాళ్ళు నన్ను గుర్తుపడితే స్టోరీ ఒకలా ఉంటుంది, గుర్తుపట్టకపోతే వేరేలా ఉంటుంది. కత్తుందా కొట్టేశారన్నా? గల్లీకే
अरे घर पे कब्जा कर क्या करना चाहते? अच्छा उसको बचा लेंगे शायद। आना। इस गली में कहाँ रहते रे तू? निपुण छोड़ ले दे। बचा लिया। नहीं नहीं चेक ले। ओ भाई। अयो, अक्का है और कौन तेरा का? कैसी है? अरे क्या जबरदस्त रख दिया वो। मिल गया ना? उनको सही ले सामान है। माटी वाले ही वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सारे क्लोज में उसको लेके आ रहे हैं। अबे यार हाथ काट रहा है। पार्टी वाले बहुत रेडी है। वापिस वहां क्यों डालेंगे यार? जब इतना काम खराब हो गया। कुछ सोचा हुआ उन्होंने। सही है, वही रिवर्स, दोनों रिवर्स कर दिया। अब वापस दे दो, चलो रिटर्न बैक। तो तू देना चाहिए। सही यार, क्या दिमाग लगाया है भाई। अब वो नहीं, इनको ये इनको नहीं दे सकते, वो इनको दे सकते। Oh, my God.
స్టార్ట్ చేయండి. इनको बचाने कौन आएगा या फिर क्या पता क्या मोटिवेशन होगा. रेडी ऑन 6 5 4 3 2. मार्टी पे पूरा लाई जाएगा. निकाला यार. मुझे पुलिस वाले से बात कर दी, मैं एविडेंस ला दूँ, आप मार्टी दे दो. तो वो एक्चुअली सही बात कर रहे बहुत
बहुत ही ज्यादा लंबी फाइट थी, बट चलो फाइनली उन्हें वो मिल गई किडनैपर्स के वो चंगुल से बचा लिया। बट फाइट काफी अलग और अच्छी क्रिएट की गई थी ना, मतलब एंड में एक कारखाने टाइप तो जगह थी, लोकेशन थी, फिर वो फेविकॉल और उन सब जगह आग लग रही थी और फाइट हो रही थी पानी में, तो वो काफी डिफरेंट हो रहा था और फिर देखने में भी मजा आ रहा था। वो बेचारी लड़की को इधर से उधर उधर से इधर फेंक रहे और वो बस अल्लू अर्जुन उन्हें मार रहे हैं पीट रहे हैं। बट मजा आया स्टार्टिंग का सीन भी देखने में जब वो ओ गॉड उन्होंने जब उन्हें मिडल फिंगर दिखाई, वो बेस्ट सीन था। अरे एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि कोई ऐसे लाइक वो दिखा देंगे, क्योंकि वो ऐसे किसी डरी डरी सहमी सहमी सी पूरी मूवी में अब तक हमें दिखी और वो इतनी बड़ी डेयरिंग कर लेगी कि उन्हें वो मिडल फिंगर दिखा देगी, मान गए। मतलब सच में वो सीन कमाल का था, हम दोनों शॉक हो गए थे कि क्या हो रहा है ये लड़की ऐसे कैसे। बट वो चलो अच्छा क्या उन्होंने वो कुछ जवाब दे दी, इससे अच्छा उन्होंने ये बिना बोले कुछ एक अच्छा जवाब दे दिया और उन्हें मिल भी गया। वो पूछ रहे ये क्या है मजा आया। बट पूरा सीन देख वही वो बोले थे कहाँ है कहाँ है कहाँ है, तो बोले हाँ बता चुका है बता चुका। और वही से वो ऐसे पूरा एकदम हैवी लोग एक्सप्रेशन, मेरे को लग रहा था कुछ करेगी, लेकिन वहाँ पे वो फिंगर एकदम से दिखा रही है, बहुत सही लगा। एंड जाते बात करें फाइट सीन की, फाइट सीन मेरे को थोड़ा सा फास्ट लगा, लाइक बहुत फास्ट मूवमेंट थी, टक 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 टक, मेरे को थोड़ा सा फास्ट लगा, मेरे को थोड़ा मजा था। जैसे स्लोमो तो आदत हो गया, स्लोमो में थोड़ा मजा करा करा के उठा उठा कर पेल के और एक अच्छे से दिखा दिखोगे तो अब वही आदत चढ़ गए, तो अब इतने फास्ट फाइट सीन की आदत नहीं रही। लेकिन ये था कि लाइक बहुत कमाल का ही था ये भी, जिस तरीके से आप अल्लू अर्जुन लड़ रहे थे एंड जिस तरीके से हर एक के साथ फाइट हो रही थी। पर मेरे ख्याल से मेरे को फाइट सीन से ज्यादा ना यहाँ पे क्रिएटिविटी बहुत अच्छी लगी। एक तो वो फिंगर वाली अच्छी लगी, फिर किस तरीके से पहले उसको मारा, फिर वहाँ पे अल्लू अर्जुन उसका रूप बदल के अपना फिर जाते हैं कि नहीं नहीं भाई को मार दिया, आओ आओ भाई को मार दिया, और फिर उसके बाद अपना पूरा गेम बनाते हैं, तो वो मुझे बहुत सही लगा। बाकी ये मूवी बहुत ही कमाल की है यार, सुपर हिट मूवी है एंड लाइक बहुत मजा आया देखने में। वापस जरूर देखेंगे आप लोगों के साथ वापस कभी अगर मौका मिला तो आप लोगों को कैसे लगा आपको जरूर बताएगा। ऐसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।